एवरीवन, स्वागत है आपका चाशी के किचन में। आज है हमारे साथ शेफ चरणमीत सिंह और हम बनाने वाले हैं छोले कुलचे। तो सबसे पहले क्या डाले? तेल। कितना? छोले पे डिपेंड करता है, 1-2 चम्मच। ये बीमार है तो इनकी आवाज आपको ज्यादा नहीं आएगी। इन्होंने बोला 1-2 टेबलस्पून डाला है इन्होंने, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ चना, जो कि हमारा आई थिंक अराउंड पता नहीं कितना भी हुआ था और कितना हो गया है। और इसमें घी भी जाएगा। इसमें हम डालेंगे अब छोटी इलायची, मोटी इलायची, बे लीफ, सिनेमन स्टिक, काली मिर्च और लौंग। अब डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इसमें हम डालेंगे कूटा हुआ जिंजर एंड गार्लिक। क्योंकि ये मुझे नहीं कूट सकते तो ये दिन में 2 बार गार्लिक एंड जिंजर कूट लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, 3 बारीक कटे हुए प्याज, 2 प्याज को भूनने के बाद उसमें हम डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें डाल रहे हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का। चम्मच दही में अब हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, एंड धनिया पाउडर। वो जीरा पाउडर था ना, वो जीरा पाउडर था, ये है धनिया पाउडर। और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और हमारी जितनी भी रेसिपीज होंगी वो ऑलमोस्ट ऑयल फ्री होंगी, क्योंकि मुझे ऑयल पचता नहीं है, तो इसलिए सर को हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और ऑयल कम रखना पड़ता है। चना मसाला। अब इसे हम थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। सो हाय एवरीवन, जब तक मसाला पक रहा है हम बना लेते हैं कुलचे का पेस्ट। तो कुलचे के लिए हमें एक बॉल में 4 big spoons सूजी लेना है एंड 4 big spoons हमें कर्ड लेना है। उसको मिक्स करना है अच्छे से एंड देन यू हैव टू पुट सम सॉल्ट एंड थोड़ा राई डालना है। वो सारे मिक्सचर को मिक्स करके यू हैव टू कीप इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड जब आप उसे बनाने लगेंगे तब आपको उसमें इनो ऐड करना है। तो मैंने मिक्सचर यहाँ पे बना लिया है, थोड़ा सा थिक मिक्सचर है। इसे 10-15 मिनट्स रखते हैं, फिर इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे। इफ इट्स टू थिक तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, अदरवाइज विल ऐड इनो एंड इनो। बॉयल करते टाइम ये ऑलरेडी लाइक गरम मसाले डाल देते हैं, बट आज बॉयल मैंने किया है तो मैं सब कुछ डालना भूल गई, इसलिए गरम मसाले हमने मसाले में ही डाले हैं। और अब हमने डाल दिए हैं चने अपने पके हुए मसाले में। और यहाँ हमने मसाले और चनों को, चने हमने पूरे नहीं पकाए थे, हमने थोड़े ही पकाए थे, क्योंकि उसे हमने मसाले भूनने के बाद जब हम मिक्स करेंगे 1 सीटी और लगवाएंगे इसे अब हम। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी और नमक स्वाद अनुसार और लगवाएंगे इसकी 1 सीटी।
तो गाइस हमारे चने बनके तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर हमने इन्हें गैस पे रख दिया है। अब इतनी देर हम बनाएंगे अपने कुलचे का मिक्सचर जो ऑलरेडी हमने बना रखा है। इसकी कंसिस्टेंसी हमने थोड़ी ठीक कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इनो क्योंकि हम बनाने वाले हैं, बस आधा पैकेट इनो का, एंड देन मिक्स करेंगे। तो तैयार है हमारे घर के छोले कुलचे। वेलकम टू द चाशी फैमिली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए सब्सक्राइब।